नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पंचायत चुनाव की जानकारी लेकर आपके सामने आते रहते हैं, और इस बार पंचायत चुनाव को लेकर बहुत से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, और इस ऊहापोह की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अब लगता है कि पंचायत चुनाव कोरोना महामारी के कारण रुक सकता है। क्योंकि आज पाँच अप्रैल है और आज राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच बैठक चल रही है। और यह बैठक है ईवीएम खरीद के मुद्दे पर बैठक हो रही है। डॉक्टर साहब, जैसा आपसे परिचय है, मैं परिचय पहले दे दूं। आप है डॉक्टर सत्यदेव सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पंचायत चुनाव पर इनकी कड़ी नजर रहती है, इसलिए मैं इन्हें साथ लेकर आया हूँ। डॉक्टर साहब, आपका मेरे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, इस बार आपको जैसा पता है कि इस बार ईवीएम से चुनाव होना है। जी बिल्कुल सही, ईवीएम से चुनाव होना है। और ईवीएम से चुनाव के लेके मामला जो है फंसता जा रहा है। मामला यह फंस रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच जो है ईवीएम खरीद को लेकर एनओसी देना होता है कंपनी को, जो एनओसी नहीं दे रहे हैं कंपनी को, उसके चलते जो है सो ईवीएम की खरीद रुकी हुई है। आपको तो पता ही होगा कि मल्टी पोस्ट ईवीएम से इस बार का चुनाव होना है। दर्शकों, हाँ, मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव होने का इस बिहार सरकार का, राज्य निर्वाचन आयोग का दावा है कि मल्टी पोस्ट ईवीएम में सिर्फ एक सीपीयू से छह बैलेट लग जाएंगे, बैलेट यूनिट उसमें लग जाएंगे। इसके कारण जो उनको ज्यादा नहीं ढोना पड़ेगा, और उसमें एक मेमोरी कार्ड लगता है। जी जी, जो जहाँ चुनाव होगा वहाँ का मेमोरी कार्ड निकाल देंगे, फिर वही जो ईवीएम है दूसरे जगह उपयोग हो जाएगा। हालांकि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसने कहा है कि आप मेरा जो है सिंगल पोस्ट ईवीएम है उससे काम चला लीजिए, उससे चुनाव करवा लीजिए। इस पर राज्य सरकार कह रही है कि उससे हम काम नहीं चलने वाला है। और जो पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो बोले हैं कि हम पंचायत चुनाव करवा लेंगे, चूंकि 15 जून तक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जी जी। और उसके बाद जो भी है काम पंचायतों का, चाहे त्रिस्तरीय व्यवस्था का देख रेख जो है एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मे हो जाएगी। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपको इस हम आपसे यह जानना चाहते हैं, चूँकि आप पहले देखे हुए हैं पंचायत चुनाव, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि लगातार चुनाव नहीं हो पाया है बिहार में? पिछले बहुत पहले, अच्छा, जैसे लगातार 22 वर्षों के बाद, हाँ, चुनाव पंचायती राज व्यवस्था, पिछला बार मैंने 22 सालों तक चुनाव नहीं हुआ था। तो 22 सालों में काम कैसे होता था, कैसे कौन काम करवाता था? आज के जो परिस्थिति है काम करने का पंचायती राज में, हाँ, वो पहले इस तरह का था नहीं। अच्छा, मामूली फंड होता था, हाँ, लोग आपस में मिलकर उसको काम कर लेते थे। तो आपस में मिलकर मतलब कौन, मतलब उसको देख रहे कौन? तो मुखिया साइन करते हैं चेक पे, आप उस समय कौन करते थे? एक समिति छोटी सी थी मुखिया, हाँ, के साथ में। अच्छा, और उन लोग एक काम कर लेते थे। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें बीडीओ और अधिकारियों का क्या भूमिका रहती थी उस समय? उसमें ऑल इन ऑल बीडीओ ही होते थे। अच्छा, हाँ। तो वो स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि अगर चुनाव समय पर नहीं हो, कार्यकाल समाप्त हो जाए तो फिर ऑल इन ऑल अधिकारी हो जाएंगे। अच्छा। और सिर्फ पंचायत एक समिति योजना रहेगी। अच्छा, वो प्रस्ताव सिर्फ लेंगे काज का, लेकिन सारा देखभाल अधिकारी करेंगे उसका। तो प्रस्ताव कैसे लेंगे, तो समिति भंग हो जाएगी। समिति भंग होगी, योजना लेकर देंगे कि इस काम को कराना है। नहीं, पंचायत समिति तो पद रहेगा नहीं, उनका तो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो फिर योजना देंगे कौन? बनाएंगे अधिकारी, यहाँ एक समिति बनाएंगे। अच्छा, एक समिति बनाएंगे, हाँ, स्थानीय स्तर पर। अच्छा। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है सभी जनप्रतिनिधियों का, तो एक कार्य, तो विकास कार्य तो रुकना नहीं चाहिए। विकास कार्य होगा कैसे? तो विकास कार्य होने के लिए अनुभवी पत्रकार हैं, इन्होंने पिछले अनुभव से बताया है कि उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी और समिति उसके कार्य की अनुशंसा करेंगे। हाँ, अनुशंसा करेंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये जो पंचायती राज अधिनियम 2006, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि अगर जिनका कार्यकाल समाप्त हो जाए और नया जो सदस्य है, नए जो प्रतिनिधि अगर शपथ ग्रहण नहीं ले पाए तो क्या किया जाए, इसकी कोई नहीं है। उसके लिए अध्यादेश लाकर उसमें सुधार करने, अधिनियम में सुधार करने की बात कही जा रही है। उसके बाद उसको विधानमंडल से पारित करवाने की बात कही जा रही है। तो प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर प्रतिदिन
कुछ ना कुछ नया नया अपडेट आ रहा है। आज के अखबार में कोई अपडेट आया है, आप दिखा रहे थे मुझे, क्या अपडेट क्या है? देखिए ये जो है पंचायत चुनाव का जो नया अपडेट है वो जैसे आप चुनाव लोग लड़ रहे हैं जी जी, तो उसमें प्राइवेट मकान में जो लोग बैठक करते हैं और उसमें अगर किसी मंत्री को बुला देते हैं, मंत्री को बुला देते हैं तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है इसमें प्राइवेट मकान पर मंत्री का कार्यक्रम हुआ तो अफसर शामिल नहीं होंगे। हाँ, जैसे प्रोटोकॉल में होता प्रोटोकॉल था कि मंत्री के साथ अफसर जाते थे जाते तो अफसर थे, नहीं जाएंगे, लेकिन अफसर नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज और इस पे लिखा हुआ है, उम्मीदवारों के सरकारी भवन का उपयोग करने पर रोक लग गया है। जो पंचायत चुनाव में उम्मीदवार होंगे वो सरकारी भवन में बैठक ये सब नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। नहीं, जब मुखिया जी का जो पंचायत सरकार भवन है, जो चाहे जो सामुदायिक भवन है, उसमें बैठक नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो सरकारी भवन है इसलिए बैठक नहीं कर नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सख्त दिशा निर्देश आया है। और दोस्तों जैसा कि पता है कि इस बार चर्चा जैसी थी कि इस बार का पंचायत चुनाव दलगत आधार पर होगा, लेकिन दलगत आधार पर नहीं हो रहा है। फिर भी विभिन्न पार्टियां, सबसे पहले भाजपा शुरुआत की है, उसके बाद राजद, जदयू, सब कह रहे हैं कि कम से कम जिला परिषद के जो प्रत्याशी हैं उनको हम समर्थन देंगे। तो बात है कि जब समर्थन देंगे तो ये तो आगे ही मामला आगे बढ़ेगी, विधायक मंत्री आएंगे ही समर्थन मांगने, फिर दलगत की बात हो गई। हाँ, दलगत की बात हो गई। इसीलिए लगता है कि यह इस तरह का ला रहा है, इस तरह का जो नियम आ रहा है कि अगर मंत्री जी वोट मांगने जाइएगा भाई तो आप किसी प्राइवेट मकान में ही जाइएगा, कि सरकारी मकान में तो आप कोई बैठक कर नहीं सकता, कोई प्रत्याशी तो वहां पर हमारे अफसर नहीं जाएंगे। और अधिकारियों के लिए भी खास करके दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अगर आप जाते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। अरे बिल्कुल सही बात है। हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग ने इस तरह का कह रहा है कि अगर आप चले जाएंगे, कोई अधिकारी चल जाएगा तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और कह रहे हैं कि अगर आपको निमंत्रण भी मिलता है तो आपको नहीं जाना है। और एक चीज और अपडेट आया हुआ है, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि जो अगर पंचायत चुनाव में अगर कोई सभा करना चाहते हैं, कोई सरकारी जगह स्थान है, फील्ड है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर चयन होगा। आवेदन देना है। अच्छा, उसके लिए कि से हम इसको स्वीकृति हमको दिया जाए, मैदान हमें चाहिए चुनाव प्रचार के लिए, मैदान चाहिए। जी जी, तो वो आवेदन देंगे स्वीकृति के लिए मैदान का। अच्छा, तब वो काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी अपडेट पंचायत चुनाव के, लेकिन जिस तरह से जो और आ रहे हैं मामले, कोरोना का जो रफ्तार बिहार में बढ़ा है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए। जी जी, तो ऐसा आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि यह पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगाए रखे हैं कि 6 अप्रैल को कल ही हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट क्या आदेश देता है उसके बाद पंचायत चुनाव के बारे में जो है सूची अधिसूचना जारी होती है कि डेट आगे बढ़ता है, यह तो भविष्य के घर में छुपा भविष्य की बात है। फिर भी आपको हर जानकारी से अपडेट करने के लिए आप ठोकता तो हमेशा प्रयास करते रहता है। और मैं डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।